Chris on Mohawk. He's just up the road. I'll let you know when we're there. हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्ले करेंगे GTA 4 PC को अपने स्मार्टफोन में। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई थी जिसमें हमने GTA 5 PC को अपने फोन में प्ले किया था एक क्लाउड गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करके। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों हम डायरेक्ट इन सभी AAA टाइटल गेम को अपने फ़ोन में नहीं खेल पाते और क्यों क्लाउड गेमिंग ही हमारा लास्ट ऑप्शन है जिसमें कि हम इन हैवी गेम्स को खेल सकते हैं, चाहे फिर हमारा स्मार्टफोन ओल्ड और स्लो ही क्यों ना हो। उस वीडियो में मेरे पास बहुत से कमेंट आए जिनमें मुझे आपकी ओर से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, और उसमें से एक कमेंट में मुझे युवराज भाई ने कंट्रोल्स के बारे में भी बताया। सो थैंक यू युवराज भाई आपके उस कमेंट के लिए। इस वीडियो में मैं उसका इस्तेमाल याद से करूँगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज हम फिर से उसी क्लाउड गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए GTA 4 को हमारे स्मार्टफोन में प्ले करेंगे। तो इस ऐप का नाम है बिकी। ये ऐप आपको सिंपली प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस ऐप को ओपन करके हमें सबसे पहले इस ऐप में अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। फिर हमें 15 से 30 सेकंड की एक एड देखनी है। उसके बाद हम 15 मिनट तक नॉनस्टॉप गेम प्ले कर पाएंगे, और गेम प्ले के बीच में हमें कोई भी एड शो नहीं होगी, तो ये एक अच्छी बात है। और आप जितनी बार एड्स देखोगे उतनी बार आप 15 मिनट का गेम प्ले कर पाओगे। एड फिनिश होने के बाद आप देख सकते हो हमारे अकाउंट में 15 मिनट का टाइम क्रेडिट हो चुका है। तो अब हम यहाँ से अपने गेम को सर्च करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ समय वेट करना है, फिर हमें एक कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, तो हमें उसे सिंपली कन्फर्म कर देना है। और अब यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। तो गेम को थोड़ा प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर GTA 4 में कैसा गेम प्ले देखने को मिलता है। और एक बात, क्योंकि ये क्लाउड गेमिंग है तो यहाँ पर आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक 5G यूज़र हो तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैं तो अभी आपको 4G नेटवर्क से ही यहाँ पर गेम प्ले करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर गेम तो अच्छे से चल रही है, रिजोल्यूशन भी मोबाइल के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, बट यहाँ पर अगर पिंग्स थोड़ी लो हो जाए तो हम इस गेम को और भी अच्छे से प्ले कर पाएंगे। और एक बात, यहाँ पर कंट्रोल के साथ शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हम सबको होने वाली है। अगर आपके पास कंट्रोलर या गेम पैड हो तभी आप अच्छे से गेम प्ले को एंजॉय कर पाओगे, या फिर इसे प्ले करने के लिए आपको भी एक प्रो प्लेयर बनना पड़ेगा। आप चाहो तो सेटिंग्स में जाकर कंट्रोल को अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, वरना गेम प्ले के दौरान आपको भी कुछ ऐसा सुनना पड़ सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो GTA 4 मोबाइल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।